अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का तीसरा रोज, आज भी रियाज में मसरूफ दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में बिल गेट्स से मुलाकात। मजबूत शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म का इरादा। बिल गेट्स की हिफाजती टीकों से मुतालिक प्रोग्राम फैलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की आज मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी वज़रा बराए तिजारत, तवानाई और माहौलियात और ज़रात से भी मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एक एक पैसा कौम की अमानत है, जो सेहत की सहूलियात पर खर्च करेंगे। हर जिले में आवाम के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए। वज़रा को रोजाना अस्पताल का दौरा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया आईसीयू यूनिट बनाने का भी ऐलान। आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त का फैसला होगा। मंजूरी की सूरत में रकम रवां हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। पॉलिसी रिफॉर्म्स और मईशत से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी को छूकर नीचे आ गई। इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर जाने के बाद 500 पॉइंट्स मनफी हो गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278.30 रुपए हो गई। अप्रैल के आखिर में भी बर्फबारी। वादी हुंजा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फ गिर पड़ी। बस्ती कुरम में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लवारी टनल में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शाहराए नीलम पर सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पारा चनार समेत कुरम के बेशतर इलाकों में बारिश। दरियाए कुरम में पानी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। खामेहालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। PDMA के मुताबिक दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 21 अफराद जान बहक हुए। बारिशों से मकानात, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 142 जानवर भी हलाक हुए। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खरीदारी में ताखीर, किसानों का आज से पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान तंजीमों ने कहा, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देंगे। गंदम खरीदारी फौरी शुरू की जाए। गंदम खरीदारी के मामले पर गौर के लिए पंजाब हुकूमत का हंगामी इजलास आज तलब। मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने वजीर दाखिला के सामने मसाइल के अंबार रख दिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फौरी तब्दील, महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। 91 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना जरूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। अब इस वॉक के तदारुक के प्लान का दूसरा मरहला, धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। ज्यादा धुआं पैदा करने वाले इलाकों की मैपिंग का भी आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सनतों से एयर क्वालिटी बेहतर बनाने की मुहिम में भरपूर साथ देने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इशाइये में शिरकत। आलमी इक्तिसादी फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। रमजान में होने वाली मुलाकात का भी तस्करा किया। वजीर आज़म का सऊदी वफ्द को पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपने साथ आला सतह का वफ्द रियाज लाया हूँ ताकि फॉलो अप मीटिंग हो सकें। गाजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से मलेशिया के वजीर खारजा की मुलाकात। मुलाकात सऊदी अरब में आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में 2 माह के लिए शराय सूद का ऐलान करेगी। शराय सूद इस वक्त 22% की बुलंद तरीन सतह पर है।
फैजीसा आज मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे। अदालती अमले ने साइलीन को आगाह कर दिया। जजेस का आज के लिए तरमीम शुदा रोस्टर जारी। बेंच नंबर एक में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल। चीफ जस्टिस फैजीसा चैम्बर वर्क करेंगे। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से शोर होगा। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पुरसकून फजा के लिए मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मागला हिल्स ट्रेल्स पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पर तहफुजात का इजहार। वजारत दाखिला को मुरासले में कहा, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के बजाय मुतबादल तरीका अपनाया जाए। आबाद का ईरान एवेन्यू आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 11th एवेन्यू का नाम ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर तब्दील करके शाहराह ईरान रखा गया था। पहले मरहले में सेक्टर D12 से E11 तक सड़क खोली गई। दूसरे मरहले में E11 से रावलपिंडी में IJP रोड तक तौसी की जाएगी। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। वक्फे वक्फे की बारिश से जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की बुध तक बारिशों की पेशगोई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Habba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven.